शांति। आज की तारीख है 29/3/23 और आज ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे तुम्हारी याद अनकॉमन है। कॉमन हम सबको याद करते ऐसी ये याद नहीं है, क्योंकि हम जिसको याद करते हैं, बाबा कहते हैं कि जिसे तुम इन आँखों से देखते नहीं उसे याद करते हो, और उनकी याद से तुम्हारे विकर्म भी विनाश हो जाते हैं। प्रश्न है, किस एक आदत का त्याग करो तो सब गुण स्वतः ही आते जाएंगे? उत्तर है, आधा कल्प से देह अभिमान में आने की आदत जो पक्की हो गई है। अब इस आदत का बाबा कहते हैं कि त्याग करो। शिव बाबा जो मोस्ट बिलवेड है उसे याद करो। कोई भी देहदारी की याद न रहे तो सब क्वालिफिकेशन आ जाएगी, डिफेक्ट निकल जाएंगी, आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएंगी, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा और सभी गुण स्वतः ही आते जाएंगे। गीत बजा है ओम नमः शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, बाप समान ज्ञान का सागर पवित्रता का सागर बनना है। विदेही बनने का अभ्यास करना है। नंबर दो, बाप की याद से बुद्धि को पवित्र बनाना है। सदा इस ही नशे में रहना है कि बेहद के बाप से हम 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। वरदान सतगुरु बाबा का न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विथ ऑनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया, सेवा व कोई भी कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे होकर सेवा की, ये न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। तो सेवा का विस्तार भले कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो, तभी डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजदारी और ब्रह्मा बाप समान पास विथ ऑनर बनेंगे। स्लोगन है, स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों की नई जीवन को बनाने की शक्ति प्राप्त हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।